ये है न्यू बजट स्मार्टफोन। इसमें 3 GB रैम बढ़ा सकते हैं, साथ ही ये टीवी का रिमोट बन जाएगा और बहुत सारे लेटेस्ट फीचर हैं। ये कौन सा स्मार्टफोन है जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं न्यू बजट स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन को लेकर के। ये बिल्कुल अलग और यूनिक डिजाइन होगा। आप और हम बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन देखे हैं जिसमें डिस्प्ले में कर्व होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में बैक में आपको कर्व देखने को मिलेगा और साथ ही आपको बैक पॉलीकार्बोनेट मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे बैक साइड फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आएगा। दूसरी बात करें इसका फ्रेम को लेकर के, तो फ्रेम में भी आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम देखने को मिल जाएगा। ये हमारे और आपके लिए अच्छी बात होगा कि ये फोन काफी लाइट वेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर के। ये आपको 6.7 इंच का एमोल्ड स्क्रीन के साथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बता दूं इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और सबसे अच्छी बात क्या होगा कि धूप वगैरह में देखने को बहुत कम ब्राइटनेस दिखता है, तो इसमें आपको अच्छा दिख जाएगा क्योंकि इसमें 1200 निट्स ब्राइट के साथ साथ आपको एमोल्ड स्क्रीन है, तो किसी भी एंगल में धूप वगैरह में भी अच्छा आप देख पाएंगे इस वाले स्मार्टफोन में। अब बात रही परफॉर्मेंस को लेकर के, क्या इसमें हम गेमिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर अच्छे तरह से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको इसमें आप कैजुअल गेम खेल सकते हैं क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, जो कि बता दूं मीडियाटेक का आप 920 के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और बता दूं इसका प्रोसेसर NM की, तो इसमें आपको 6 NM का प्रोसेसर आपको मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं इसमें आपको अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही मल्टीटास्किंग भी इसमें कर सकते हैं, लैगिंग वगैरह इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म को लेकर के। इसमें आपको एंड्रॉयड 13 के साथ आपको 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेगा, और बता दूं 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा क्वालिटी को लेकर के। स्मार्टफोन में जब भी हम परचेज करने जाते हैं तो देखते हैं कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का तो रहता है कि बहुत ही प्रो लेवल का कैमरा होना चाहिए, पर देखते हैं इस वाले स्मार्टफोन में हमें क्या मिलता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, आपको 48 MP एंड 2 MP एंड 8 MP, ये तीनों कौन कौन से हैं तो मैं बता दूँ 48 MP आपको मेन कैमरा है, 8 MP वाइड कैमरा है एंड 2 MP आपको विड कैमरा के साथ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट आपको 13 MP यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी कैपेसिटी को लेकर के। यहां पर आपको 5000mAh का बैटरी और 33W का फास्ट चार्जिंग के साथ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन में क्या यूनिक चीज़ है जो आपको पसंद कर सकती है या फिर आप कह सकते हैं इस फोन को देखने के बाद एक नज़र में लुभा सकते हैं, तो मैं बता दूं इसमें ये ऐसे स्मार्टफोन है जो 2 वेरिएंट में आते हैं, 6 GB एंड 8 GB रैम के साथ में। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आप 3 GB रैम तक बढ़ा सकते हैं, यानी 6 GB रैम लेते हैं तो 6+3 यानी 9 GB रैम हो जाएगा, और दूसरा अगर 8 GB वाले लेते हैं तो 8+3 यानी 11 GB रैम हो सकते हैं इस वाले स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन को आप टीवी का रिमोट बना सकते हैं, रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें आपको ये फ़ोन LPDDR4X UFS 2.2 के साथ आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात बता दूं दोस्तों इसमें आप OTG के साथ साथ पेन ड्राइव के साथ साथ आप इसमें NFC भी आपको मिल जाएगा इस वाले स्मार्टफोन में, तो ये हमारे और आपके लिए बहुत ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको बैक साइड कर्व डिजाइन के साथ काफी अच्छा लाइट वेटेड स्मार्टफोन मिल जा रहा है, और प्रोसेसर की बात करें तो 695 इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा आपको मिल जा रहा है, पर कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा कम आपको मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हैं प्रो लेवल का कैमरा इसमें नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ जो हम नज़रअंदाज करते हैं वो भी आपको मिल जा रहा है, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जा रहा है जो कि भीड़ भाड़ में अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, दूसरा टीवी का रिमोट मिल जाएगा यानी इसमें IR ब्लास्टर भी आपको देखने को मिल जा रहा है, और बात करते हैं दोस्तों अभी ज़माना आ रहा है 5G का, तो इसमें 5G के साथ साथ 7 बैंड। ये है पोको का X5 5G। ये वीडियो कैसा लगा और ये फोन के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।